हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 24 तारीख का व्लॉग है, 24 फरवरी का। ये दिन एक खास दिन था तो मैंने सोचा हेयर कलर कर लूँ, या तो लॉरियल या फिर बी ब्लंट, कोई भी एक हेयर कलर मैं करने वाली हूँ। सोच रही हूँ कौन सा करूँ, तो मैंने अपना हेयर कलर कर लिया और मैं अपना शैम्पू वगैरह करके आ चुकी हूँ। और कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने जब आपको अमेज़न के वीडियो में ये कलर दिखाया था तो मैंने बोला था कि मैं व्लॉग में करूँगी और फिर आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। गाइस, मैं जस्ट अभी शावर लेके मेरा आई हूँ, 2 बज रहे हैं और आज मैंने ये हेयर कलर ट्राई किया। मैंने सोचा आपको व्लॉग में दिखा दूं, ये वाला हेयर कलर मैंने ट्राई किया है और मुझे ये लॉरियल से ज्यादा पसंद आया। देखो विवेक, देखो कितना, और मैं देर लेके आया हूं, देखो कितना अच्छा कलर हुआ है। हाँ, एकदम परफेक्ट ना, क्या होता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, ये 200 रुपए से भी कम का मुझे मिला है। एंड इसमें से सिर्फ मेरा आधा लगा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। आधा कलर, आधा डेवलपर, क्योंकि काफी सारी क्वांटिटी आ रही है। यानी एक बार का कलर मुझे अप्रोक्सीमेट 100 रुपए जैसे में पड़ गया, 90 रुपीज या 95 रुपीज में। ये देखो, ये डेवलपर मेरा आधा ही यूज हुआ है, आधा ही कलर यूज हुआ है, ठीक है। और शाइन टॉनिक जो इसके अंदर आता है ना, वो भी मेरा आधा ही यूज हुआ है। टॉनिक भी आधा ही लगा है। इसमें तीन चीजें आती हैं, डेवलपर, कलर और शाइन टॉनिक। तीनों चीजों को मिक्स करके लगाना होता है और 30 मिनट लगाना होता है। मैंने 30 मिनट लगाया। और ये मेरा शेड कौन सा मंगवाया मैंने, नंबर 3 चॉकलेट डार्क ब्राउन। इतना अच्छा कलर हुआ है, देखो। अभी तो मैंने कोई सीरम वगैरह भी अप्लाई नहीं करा तो भी बाल एकदम बढ़िया शाइनी लग रहे हैं। मैं आपको डे लाइट में दिखा रही हूँ, इसीलिए डे लाइट में दिखाया। अभी तो बिल्कुल गीले हैं बाल, कैसे सिल्की रहते हैं, कैसे रहते हैं। शाइन टॉनिक डाला था, वो मैं सूखने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको अमेज़न के वीडियो में ये शो करा था, इस बार मैंने नया ट्राई किया है तो मैंने सोचा चलो व्लॉग में लगा के आपको इसका रिव्यू दे दूँ प्रॉपर। तो बहुत ही अच्छा कलर हुआ है, बहुत ही अच्छा। यहाँ मुझे इनफैक्ट वाइट ग्रे हेयर का एक गुच्छा है पूरा। आपको पता चल रहा है क्या कहाँ गया? मुझे तो नहीं दिख रहा कहाँ गया, पूरा डिसअपियर्ड है। मतलब मुझे कलर बहुत पसंद आया है, बहुत ही अच्छा लगा है। खाने में आज बना हुआ है आलू टमाटर की सब्जी, मेथी के थेपले और चावल, जीरा राइस। और रात को हम खाना खाने जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। मैं लगा रही हूँ ये लॉरियल का, एक मिनट, ये लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरम। ये मैं बालों में हमेशा शैम्पू करने के बाद, कलर करने के बाद बहुत सॉफ्टनेस आ जाती है बालों में। ये भी मैंने आपको अमेज़न के वीडियो में दिखा था। यानी कहने का मतलब है, जो भी चीज़ें मैं अमेज़न के वीडियो में दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ, यूज़ करती हूँ। अब ये सूख जाए ना, फिर आपको दिखाऊंगी। और आज कौन सा स्पेशल डे है ना, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी बस मैं खाना खाने बैठ रही हूँ। बेटा, इसमें प्रेशर नहीं बन रहा ना बाबू? मेरा ना एक कुकर थोड़ा ख़राब सा हो गया है, इसमें चावल वावल रखो ना तो प्रेशर जल्दी से बनता नहीं है, दोबारा से ढक्कन वगैरह लगाना पड़ता है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं बाल, मुझे तो ये कलर बहुत पसंद आया। मतलब बजट फ्रेंडली भी है और बी ब्लंट का तो नाम भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं लॉरियल से इसी पे स्विच कर जाऊंगी अगर कोई, मतलब वैसे तो अच्छा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि ना कॉस्ट वाइज बहुत बजट में पड़ रहा है। 100 रुपये में आपको एक बार का कलर पड़ रहा है, यानी 2 बार मैं लगाऊंगी। मेरे इतने बालों में ये आधा लगा है सिर्फ, लॉरियल का मेरा पूरा यूज़ हो जाता है तो सस्ता ही पड़ा ना। तो जब भी आप लोग अपना लाइक शैम्पू वगैरह करें ना, तो सीरम जरूर अप्लाई करें। सीरम, एक अच्छा सीरम आपके पास एक होना चाहिए, चाहे आप लॉरियल का ले लो या और भी आते हैं सीरम वगैरह, तो कई सारी कंपनीज के आते हैं। मुझे ये वाला सीरम बहुत पसंद है क्योंकि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया था ये लॉरियल का, और उसके बाद मैं इसकी फ़ैन हो गई। और देखो कितना बढ़िया कलर हुआ है, बहुत ही, आई एम रियली हैप्पी। और जब कोई अच्छा दिन हो तो ज़रा मन करता है कि हाँ थोड़ा अच्छे से हो जाए, जैसे कि वैक्स वगैरह कर लें या फिर वीट वगैरह कर लें, मन करता है कि अच्छी तरह से तैयार हूँ। तो आज का दिन बहुत 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 खास है। आज का दिन वो दिन है जब विवेक ने, क्या बोलूँ, प्रपोज़ किया था मुझे शादी के लिए। इनको ये दिन याद रह गया है तो बस इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं ये व्लॉग। तो सुबह से काफ़ी उमंग में है विवेक जी और मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ खाना। तो बीच में ना कई बार क्या होता है, व्लॉगिंग मेरी एक दो दिन बीच में नहीं होती है कई बार। तो जिस दिन मैंने आलू मटर आपके साथ लास्ट ही व्लॉग में शेयर करा था, आपको लगेगा कि ये फिर से आलू मटर बनाइए, नहीं, 2 दिन का बीच में गैप आया है और फिर उसके बाद में ये आलू मटर बन रहा है आज। कभी कभी हमारे यहाँ पर ये होता है कि दाल से ना सब कंटाल जाते हैं, दाल खाने से, तो फिर ये हो जाता है कि हाँ चलो कुछ और बना लो। तो आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्जी चावल के साथ भी, लाइक जीरा राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो दिन है ना, ये वो है जब विवेक ने मुझे प्रपोज़ किया था, और ये दिन विवेक को भी याद है और मुझे भी हमेशा याद, जीवन भर रहेगा। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिन्हें, मतलब जब शादी हो जाती है उसके बाद हम चाहें तो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, और इन अ वे, मतलब यू नो, और खुशियाँ बांटने का कोई रीज़न नहीं होता, मौका नहीं होता, बट छोटे मोटे मौके जो होते हैं उन्हीं पर खुशियाँ बांट ली जाती हैं। तो बस मेरा भी यही नेचर है, ज़िंदगी को ऐसे जियो, हर
हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सच में मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, यही मेरा की टू हैप्पीनेस है, दिस इज़ माय की टू हैप्पीनेस, और यही मैंने मेरे बच्चों को भी सिखाया है कि हमेशा खुश रहना चाहिए इंसान ने। तो यहाँ पे मेरे सब्ज़ी में लग गया है तड़का, और साथ में है वही जीरा राइस, और हाँ ये सैलेड अवी ने बनाई है। आजकल अवी रोज़ सैलेड बनाता है, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के, और उसके मीठे मीठे हाथों से बनी हुई सैलेड बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। एंड एक और चीज़ आपको बतानी है कि अब से मैं शुरू कर रही हूँ दोनों ही चैनल पे रोज़ एक एक व्लॉग डालना, तो कल से आपको दोनों ही चैनल पे एक एक व्लॉग मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे बाल में बांध ले रही हूँ क्योंकि खाना खाते हुए नहीं तो फिर कई बार है ना खाने की डिश में गिर जाते हैं या समथिंग, गीले थे इसलिए खोले हुए थे। अब हम बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। आज का लंच, आज हमने दाल नहीं बनाई है। कभी कभी ना विवेक को इसकी ग्रेवी के साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। एक्चुअली सलाद अभी ने काटी है और दही चीनी वाली एक खाते हैं लंच के साथ, इसमें चावल है और बस हो गया, यही हमारा आज का। आज हमने लंच सिंपल रखा है क्योंकि रात को हमें ये कहीं ले जा रहे हैं। जीवाला बाहर, ये मराठी में बात कर रहे हैं, बाहर खाना खाने के। आज दिन कौन सा है वो तो बता दूँ। आज पापा और मम्मी का बहुत स्पेशल डे है। उसको क्या बोलती हो, तुमने क्या नाम दिया है? विवेक आप तो बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? ये दिन इनको याद है, आज 24th of February है, अभी भूलते नहीं है और हमेशा किसी ना किसी वे में ये ज़रूर मनाते हैं। आज इन्होंने केक का ऑर्डर दिया है, वो मेरे सामने से दिया है, मुझे पता है, और शाम को केक कट करेंगे। ऐसे ही छोटी छोटी तो खुशियाँ होती है ना विवेक, yes. लाइफ में, और क्या होता है, yes. है ना। चीनी दे ना बेटा दही के लिए, कटोरी दे चीनी दे, इसके अंदर मत डालना चीनी। नहीं इसके अंदर नहीं, अलग से मैं अपनी कटोरी में ले रही हूँ दही के लिए। ये विवेक दही देखो कितनी बढ़िया लाया है, वाओ एकदम, कहाँ से लाए हो? एकदम क्या बोलूँ, कैसी दही है वो, एकदम गाढ़ी दही बोलते हैं ना वैसी, वाओ दही है ये, वाओ। और ये रही आलू की सब्जी, आलू मटर की वाली सब्जी ना आप कभी चावल के साथ ट्राई करना जस्ट फॉर अ चेंज, क्योंकि रोज हम लोग दाल ही खाते हैं ना। सॉरी सॉरी देखो मैंने गिरा दिया, वैसे प्रशांत की साफ तो मुझे ही करना पड़ेगा, सॉरी क्या बोलना। ये लीजिए पतिदेव, ये है एकदम शुद्ध सात्विक बढ़िया वाला लंच, और साथ में है मेथी के परांठे। वैसे सिंपल रोटी भी हैं बट ये मेथी का परांठा प्रेफर कर रहे हैं खाना, बहुत अच्छी लगती है। मैं अभी जस्ट सो के उठ के आई हूँ, अभी 5 बज रहे हैं, खाना खा के मैं सो गई थी, विवेक अभी अंदर सो रहे हैं, बच्चे दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, जस्ट सो के अभी आई, अभी और नींद आ रही थी, दिन में सो जाओ ना जल्दी से उठा नहीं जाता, पर मुझे ना एक्चुअली अभी भगवान जी के लिए हलवा बनाना है। अच्छा दिन होता है तो फिर कुछ उनको भी बना के खिलाना जरूर चाहिए, तो उनको भोग लगाना है। फिर अभी 5 बज गए हैं तो चाय वाय पियेंगे, भोग लगाएंगे भगवान को, तैयार होंगे। कोई स्पेशल दिन होता है तो थोड़ा सा चेंज वेंज करने का मन करता है, कुछ खास तो नहीं, देखो जो मिलेगा पहन लूँगी, लेकिन थोड़ा सा मतलब अपने आप को ठीक करना अच्छा लगता है। कोई ओकेज़न होती है तो कि हाँ भाई चलो कुछ तैयार हो गया, कुछ डिफरेंट सा किया, और बाल देखो कैसे सॉफ्ट हो रहे हैं, कलर बहुत अच्छा आया है देखो। मेरा बहुत बड़ा पैच है यहाँ पे वाइट हेयर का, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मुझे पसंद आया ये, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। देखो कितने सॉफ्ट हो रहे हैं बाल, जब मैं तैयार हो जाऊँगी ना तो और भी अच्छे लगेंगे, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। चलो तो मैं हलवा बनाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ, इनको उठाती हूँ, भगवान जी को भोग धराते हैं, फिर देखते हैं आज की शाम क्या करते हैं। इन्होंने केक का ऑर्डर दिया है, केक लेके आएंगे। आज का दिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिन्हें हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, कहने के लिए छोटी सी बात है लेकिन इसी को सेलिब्रेट, यू नो लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, क्या है और लाइफ में रखा क्या है, और छोटी छोटी सी खुशियों को अपनी फैमिली के साथ अपने अपनों के साथ जी लेना चाहिए इंसान ने, मैं इस चीज़ में मानती हूँ। तो मुझे कलर तो करना ही था, काफ़ी दिन से सोच रही थी, मैंने सोचा चलो आज शाम को बाहर भी जाना है खाना वाना खाने तो आज ही कर लेते हैं, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है ये कलर। और बाल देखो सॉफ्टनेस तो आई गई है बालों में, है ना, बढ़िया कलर है। आप लोग भी बिल्कुल बिना सोचे समझे ये कलर बाय कर लो, आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो आपको भी नहीं होगी। एक भी ग्रे मेरा नहीं है, सब कवर हो गए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स कट करने के लिए, क्योंकि वैसे तो हर बार प्रिशा कट करके देती है पर वो अपने किसी ना किसी काम में है, तो
और इस व्लॉग को मैं दो पार्ट में डाल रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग बहुत अमेजिंग है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना आप, ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट मैं कल सुबह में डाल दूँगी। मैंने बोला ना आपसे मैं दोनों चैनल पे व्लॉग डालूँगी, आप दोनों चैनल पे व्लॉग चेक करना। एवरीडे डेली व्लॉग आएगा, रूटीन व्लॉग एंड जो भी आपको पसंद है वो सब डालने की कोशिश करूँगी। तो बस यही है। यहाँ पे मेरे साथ बैठ के बातें कर रहे थे और मैं ड्राई फ्रूट कट कर रही थी, काजू बादाम वगैरह, और फिर मैं सूजी का, आप सोचोगे हमेशा गणपति के लिए सूजी का हलवा क्यों, तो दूध वाला हलवा मेरे घर में खाने के बहाने ढूंढे जाते हैं, सच्ची बता रही हूँ। तो ये ड्राई फ्रूट मैंने काफ़ी सारे कट कर लिए हैं। इलायची मैंने विवेक को दी है कूटने के लिए, मैं इलायची कूट के दे दो, और मीनवाइल मैं फटाफट से हलवा बना लूँगी। और अभी अभी ये मुझे सो के उठ के बोले इनका दांत दुख रहा है। इनका दांत एक्चुअली 3-4 दिन पहले से दुख रहा है, मतलब काफ़ी दिन से दुख रहा है एक्चुअली। आजकल क्या है ना, ऑर्डर वगैरह रहते हैं ना, तो इनका खाना पीना कोई ठिकाना नहीं रह रहा। जैसे घर में रहते हैं तो उनका एक टाइम है खाने का, यू नो, सही तरीके से खाते हैं, बट बाहर जाओ तो फिर ऑर्डर, तो आपको पता है ही इज़ अ फोटोग्राफर, और जब वक्त मिलता है रात बिरात खाना खाते हैं, तो कुछ पता नहीं खाने में आ गया है। शायद बोल रहे थे कि कोई कड़क चीज़ खा ली है, या तो अमरूद की वजह से हो रहा है, इन्होंने फ्रूट डिश में अमरूद खाया था, पता नहीं, तो जिसकी वजह से दांत दुख रहा है। तो मैं सोच रही हूँ पहले हलवा बना दूँ फटाफट से, गणपति को भोग लगाऊँ, और फिर इनको फटाफट से डेंटिस्ट को भी दिखा के आ जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी डाली, और पता है देखो एक कटोरी सूजी है, उसमें घी थोड़ा कम लगा मुझे, थोड़ा डाला मैंने, घी तो अच्छा ही चाहिए हलवे में। एक कटोरी सूजी डाली है, मोटी वाली है ना, और जितना सूजी है उतनी ही चीनी लेने वाली हूँ, और डबल मैं दूध लेने वाली हूँ, डबल या ट्रिपल, वैसे ट्रिपल ही ले लेती हूँ मैं, जैसे कि एक कटोरी सूजी तो 3 कटोरी दूध, लेकिन धीरे धीरे डालती हूँ, जैसे लगता है कि भाई ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैं 2.5 कटोरी दूध पे भी रुक जाती हूँ, समझ आया, दुगना या तिगना डाल देती हूँ। ये वाला हलवा आप भी बना के ट्राई करना, मैं तो वैसे बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं 2 कटोरी दूध अलग निकाल के रख दूँगी, और साथ में फिर चीनी भी निकाल लूँगी मैं, वैसे मैंने देखे 3.5 निकाला है, फिर देखेंगे जितना ज़रूरत लगेगा उतना डालेंगे, तो वो तो अपने अंदाजे पे होता है। और ये वाला हलवा हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा में भी बनता है गुजरात में, और बड़ा ही ज़्यादा फेमस है ये हलवा, यहाँ पे हर एक ओकेज़न पे लोग ये बना के खाते हैं, गुजरात में तो बहुत ही फेमस है ये दूध वाला हलवा, तो आप लोग भी ट्राई करना। वैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे मुझसे सीखा भी ये वाला हलवा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करा है, और क्या बोलते हैं, मुझे DM भी करते हैं इंस्टाग्राम पे कि दीदी हमने ये हलवा ट्राई किया था बना के, बड़ा ही टेस्टी बनता है। तो ये सूजी यहाँ पे ना लाल नहीं करनी होती है, अगर आप दूध का हलवा बना रहे हो तो सूजी लाल नहीं करनी होती है, बस ऐसे कि भाई अच्छे से महक आ जाए भुनने की, और बस फिर दूध डाल देना होता है, चीनी डाल देनी होती है, इलायची का पाउडर, और ऊपर से ड्राई फ्रूट, और बस हो गया हलवा बढ़िया वाला तैयार। लास्ट में मैं बस इसके अंदर ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स, थोड़े तो मैंने अंदर डाल दिए और थोड़े ऊपर से डाल दूँगी। तो आज का शुभ दिन है, अच्छा दिन है, देखिए मेरे लिए तो ये बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी पूरी अंधकार में हो चुकी थी, विवेक ने मुझे अपनाया, प्रिशा को अपनाया, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, तो हमारी ज़िंदगी सच्ची बोलूँ तो संवार दी उसने, तो ये तो है कि बहुत ही अच्छा दिन है आज का। और हमारे बच्चे हमसे जब पूछते हैं ना कि आज कौन सा दिन है, तो बस मैं इतना ही कहती हूँ कि हमारा जब वी मेट डे है, मतलब यही बोल रखा है उन लोगों को। तो यहाँ हलवा तैयार हो गया है, और इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं खूब सारे ड्राई फ्रूट, और बस अभी गर्मा गर्म गणपति जी को मैं भोग लगा दूँगी। ये हलवा हो गया तैयार गणपति पप्पा का, बस अब इसको मैं एक प्लेट में सजा के, बहुत ही दानेदार खिला हुआ हलवा बना है, कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है हलवे ने। दूध का हलवा बहुत अच्छा लगता है, और भगवान को अक्सर मैं ये बना के चढ़ाती हूँ, क्योंकि ये हमारे गुजरात में ना, मतलब लोग ज़्यादा करके यही बना के भगवान को भोग धराते हैं। तो चलो भगवान को अब ये थोड़ी देर के बाद मैं भोग लगाऊंगी। हलवा बनाते मुझे 5:15 हो गए, अभी मैं जाऊंगी विवेक को लेके डेंटिस्ट के पास, इनको ना दांत में दर्द हो रहा है, अभी मुझे बोले कॉर्नर के दांत में बहुत दर्द हो रहा है इनको ना, जब भी ये अमरूद खा लेते हैं ना उसके बीच से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन्होंने खा लिया था कुछ दिन पहले, हम लोग नहीं फ्रूट डिश खाने गए थे उसमें था, उनको दर्द हो रहा है बहुत, सुबह से हो रहा है, तो मैंने कहा चांस नहीं लेते हैं, डॉक्टर को दिखा ही लेते हैं, वहाँ जा रही हूँ इन्हें लेके, फिर आके देखते हैं क्या करते हैं, इनकी तबीयत ठीक हुई तो ही हम बाहर जाएंगे। तबीयत तो ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं दुख रहा है, मैंने कहा चलो दिखा लेते हैं कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, राइट। तो गाइस शाम को सेलिब्रेशन भी करना है, नेक्स्ट व्लॉग में आपको सेलिब्रेशन देखने मिलेगा। यहाँ हम बैठे हुए थे डेंटिस्ट के यहाँ पे इनके डॉक्टर को बताने के लिए, नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर से देखना, उसमें होगा सेलिब्रेशन।